तो कैलकुलेशन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि आपके पास ईयर है 2010 टू 2018, ये टोटल हैं 8 ईयर्स, और हर साल दो अटेम्प्ट होती हैं, तो आपके पास टोटल कितनी अटेम्प्ट्स हो गई? आपके पास टोटल अटेम्प्ट्स हो गई 16, ठीक है, ये टोटल अटेम्प्ट्स हैं आपकी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास पेपर 1, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेट होता है, उसमें हमारे पास हैं 30 MCQs, ठीक है। ये 30 MCQs को अगर हम मल्टीप्लाई करें 16 से, तो हमारे पास टोटल MCQs बनते हैं 480। और अगर हम पेपर 2 पे फोकस करें तो पेपर 2 में हमारे पास 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, SQ का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय 16, तो अराउंड ये आपके पास बनते हैं, अराउंड मतलब टोटल आपके पास ही जो बनते हैं SQs, वो बनते हैं 80। अब आपके पास टोटल डेज कितने हैं? जैसे कि पेपर 1 के लिए, अगर हम सिर्फ पेपर 1 की बात करें, तो पेपर 1 के लिए आपके पास हैं 63 डेज, और पेपर 2 के लिए आपके पास हैं 66 डेज, ठीक है जी। अब आपने करना ये है कि 480 MCQs को डिवाइड करना है 63 से, तो आपके पास 8 MCQs पर डे बन जाएंगे। और इसी के साथ अगर हम 80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिवाइड करें 66 से, तो पर डे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपने करनी है। समझ आ रही बात? तो कहने का मकसद ये है कि एक स्टूडेंट का हार्डली एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने का जो टाइम होता है, वो अराउंड 1 मिनट या 2 मिनट के हिसाब से। तो विद इन 16 मिनट्स आप अपने 8 MCQs को सॉल्व कर सकते हैं लीस्ट, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसे बहुत कंफ्यूजन होती है उसकी बात कर रहा हूँ, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए आपके पास अराउंड 1 घंटा लग सकता है। कल के दिन आपके साथ मैं एक वीकली प्लानर शेयर करूँगा कि आपने इस वीक में अपने कौन से टॉपिक को सबसे पहले ओ लेवल अकाउंटिंग में प्रैक्टिस करनी है, कवर करना, और साथ ही साथ मैं अपने ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी इस तरह की एक एनालिसिस वीडियो बनाना चाहता हूँ और उसे भी अपलोड करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक अ गुड केयर ऑफ़ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।